सो हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिस्तान 2.0 पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं कुछ खास अपडेट सोशल मीडिया की दुनिया से रिलेटेड। तो गाइस यहां पर पहली अपडेट निकल के आ रही है राहुल वोरा के बारे में। आपको बता दूं गाइस, राहुल वोरा एक यूट्यूबर है और एक एक्टर भी है, और हाल ही में जो है अभी उनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बताया ये जा रहा है कि उनकी डेथ जो हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है। लेकिन अभी एक वीडियो निकल के आई है जिसमें कि राहुल वोरा अपने लास्ट मोमेंट्स में उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो ये शेयर कर रहे हैं कि उनके हॉस्पिटल में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल ही बेकार था, और नर्स को जो है वो लोग बुलाते थे, नर्स जो है एक मिनट बोल के डेढ़ घंटे बाद आती थी। सो बेसिकली गाइस उनकी डेथ जो है वो हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है। तो आप भी देखिए गाइस ये छोटा सा वीडियो क्लिप। कुछ नहीं आ रहा इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला एक जरा सा फॉल्ट, उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करते हैं। एक बॉटल होती है, उस बॉटल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं। फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है, एक एक डेढ़ घंटे बाद आते हैं। तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर उसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बॉटल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। ये सुनो प्लीज़, ये कर दो। कहते हैं एक मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसको ये क्या करूं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूँ, चैनल का नाम है एंजॉय लाइक लोकल। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस चैनल में जो कपल है उनमें से जो उनके हस्बैंड है शर्मा जी, उनका अभी हाल ही में जो है कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद जो है उनकी वाइफ जो है इस चैनल को भी रन करती है, वो वीडियोस रेगुलरली अपलोड भी करती है। लेकिन हुआ ये गाइस कि अभी एक दूसरा चैनल है शर्मा सोनामीत बोल के, वो जो है इनके चैनल के वीडियोस को अपने चैनल पे डालकर इनको व्यूज मिल रहे हैं, और इनकी वाइफ ने जो है इनको काफी बार वार्निंग भी दी है, बोला भी है, प्यार से जाया भी है कि जो है वो ऐसी हरकत ना करे। सो उसी से रिलेटेड गाइस एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप भी देखिए। बंदे को मैंने कल हाथ जोड़ के भी रिस्पेक्ट के साथ भी बहुत बोला था कि आप मेरी वीडियो मत, उसका काम ही यही था, वो सॉर्ट वो लेने ही आया था, चैनल को प्रमोट करवाने ही शर्मा जी से मिलने आया था, और कोई रीजन नहीं था उस बंदे का। और फिर आप बोलता है मेरे को मैसेज करके कि मैं पुलिस में हूँ, ये मेरे को कमजोर समझ रहा था ना। मैं बताती हूँ कि कमजोर औरत एक नहीं हो सकती, वो भी शर्मा जी की वाइफ, मैं 25 साल उनके साथ रही। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूँ संदीप महेश्वरी के बारे में। सो गाइस संदीप महेश्वरी ने अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड करी थी मास्टरबेशन, पॉर्न एडिक्शन और नो फैप के बारे में। अब हुआ ये गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है काफी सारे यूट्यूबर्स जो है भड़क गए उनके ऊपर, और उन्होंने जो है काफी ज्यादा अपना अब्यूसिव रिएक्शन दिया था इस वीडियो के अगेंस्ट। तो उसी से रिलेटेड गाइस संदीप महेश्वरी का भी एक रिएक्शन आया है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इस चीज से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इस वीडियो पर रिएक्ट किया, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिएक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, यानी कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आराम से मेरे एक एक पॉइंट को समझा, फिर उसको लॉजिकली क्रिटिसाइज किया। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं उस वीडियो को देख करके, और उन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोज अपलोड करी है जिसमें उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज किया है, इनफैक्ट मैं कहूंगा अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया है। जो भी लोग ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, मेरा आप लोगों को ये सजेशन है, एक बार अपने लॉयर से आप डिस्कस करिए कि ये जो मैं कर रहा हूं इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। इट इज अ सिविल एज वेल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि जो हमारी लीगल टीम है वो आपके अगेंस्ट FIR भी लॉन्च कर सकती है और एक डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकती है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूँ बेशरम अक्की के बारे में। सो गाइस बेशरम अक्की ने अभी फिर से जो है हेमकुंड फाउंडेशन के ऊपर एक और एक्सपोज वीडियो बनाते हुए एक लाइव कॉल भी शेयर करी है जिसपे वो ये दिखा रहे हैं कि जितना भी डोनेशन उनको जा रहा है ऑक्सीजन के लिए उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कोई उनको कॉल करके ऑक्सीजन के लिए कुछ पूछ रहा है, उनसे मदद मांग रहा है, तो उनका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही नेगेटिव है। तो उस वीडियो में से एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप भी देखिएगा। फाउंडेशन या फिर जो क्रिएटर हेमकुंड फाउंडेशन को प्रमोट कर रहे हैं उनमें से किसी ने भी ये क्यों नहीं बताया कि हेमकुंड फाउंडेशन दो स्टेट में नहीं, दो सिटी में काम कर रही है, और वो भी ढंग से नहीं। तो इस सच को छुपाकर देश के कोने कोने में से डोनेशन की भीख क्यों मांग रहे हो, जबकि काम तो तुम्हें दो सिटी में ही करना है। मैम एक्चुअली ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड थी मुझे, सॉरी मैम, मैं माफी चाहूंगी, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। बट मैम आप लोग मतलब इतने यूट्यूबर्स भी चैरिटी स्ट्रीम करके आपको डोनेट कर रहे हैं, फिर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैम माफी चाहूंगी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, आप प्लीज थोड़ा तेज बोलेंगी क्या? मैम एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हेमकुंड फाउंडेशन को तो यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर भी डोनेट कर रहे हैं, फिर भी ऑक्सीजन नहीं है हेमकुंड फाउंडेशन के पास। एक्चुअली मैम ऑक्सीजन तो है
ऐसा नहीं है ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बट मैं बोलना ये चाहती हूँ कि आप जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे वो अपने पेशेंट को गाड़ी में ले जाकर प्रोवाइड कराएंगे? नहीं, घर पे वो है तो घर पे उनको देना है। सॉरी मैम, घर के लिए अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूँ फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। सो दोस्तों, फ्लाइंग बीस्ट ने भी रिसेंटली जो है कोविड से रिलेटेड अपनी तरफ से एक मैसेज शेयर किया है सभी के लिए। तो वो क्या मैसेज है वो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ गाइस। एक छोटी सी बात बोलनी थी आपसे, प्लीज अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स आ रहे हैं, माइनर से भी सिम्टम्स आ रहे हैं, प्लीज उसको लाइटली मत लीजिए। आपका RT-PCR नेगेटिव भी आ रहा है और सिम्टम्स है तो फिर भी उसको लाइटली मत लीजिए, बिकॉज मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट हाँ आसपास जितने लोग हैं जानकारी में उनके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों को ऐसा था कि RT-PCR नेगेटिव आया बट सिम्टम्स थे तो उन्होंने उसको लाइटली ले लिया। प्लीज ऐसी गलती मत करो। द डे यू गेट सिम्टम्स, स्टार्ट ट्रीटिंग एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूँ हिंदुस्तानी भाव के बारे में। सो दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हिंदुस्तानी भाव जो है अभी रिसेंटली अरेस्ट हो गए थे पुलिस की तरफ से, क्योंकि जो है वो CBSE बोर्ड जो भी कंडक्ट होने वाले हैं उसके लिए जो है एक मोर्चा निकाल रहे थे एम्बुलेंस में बैठकर। तो आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो है उनको पुलिस ने छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद उनका अभी एक और रिएक्शन भी आया इंस्टाग्राम पर। वो क्या रिएक्शन है मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों। सुबह पता चला कि मेरे सारे नंबर्स ट्रेस पे लगाए गए और मुझे ढूंढ रहे सब। मेरी गाड़ियां जितनी भी है उनका नंबर उन्होंने ये किया है और सब जगह पूछा है कि ये गाड़ी कहाँ भी दिखी उसको रुकाओ। मेरे पास रास्ता नहीं था, आप लोगों की आवाज पहुंचाओ कैसे। मेरे एक दोस्त की एम्बुलेंस है, उसको मैंने फोन किया कि यार कैसे भी करके मुझे शिवाजी पार्क पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की अपडेट्स। मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो पर कुछ नए अपडेट्स के साथ। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो दोस्तों, और बगल में घंटी है उसे भी दबा देना गाइस, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पैनल पे दिख जाए। थैंक यू सो मच गाइस।